तो भाई आपको कैसा लगा मंदिर आकर के? भाई मजा आ गया मंदिर आके, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके में, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। ये बंद हो जाता है फिर शाम को 3 बजे खुलता है, 3 बजे से रात 8 बजे तक खुलता है, 7-8। अच्छा तो भाई शाम को कितने बजे खुलता है? 4 बजे। हाँ शाम को 8 बाबा मिष्ठान मंडल। भाई किसी को भी अगर आप यहाँ पर आना है तो वो यहाँ पर आ सकता है, जैसे वो यहाँ पर आएगा लेफ्ट साइड में अंदर की दुकान मिल जाएगी। चुके हैं और सुबह के बज रहे हैं 6:07। मैं सुबह 5:30 बजे उठ गया था निकलने के लिए। सो अभी जो मेरे साथ है वो है राहुल भाई, राहुल भाई भी मेरे साथ जा रहे हैं। गाइस अपना सफर शुरू हो चुका है क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं अभी खाटू श्याम, फिर वहाँ से हम भानगढ़ किला भी कवर करेंगे। तो जो ये ब्लॉग बनेगा वो 2 पार्ट्स में बनेगा, पहले चलते हैं पेट्रोल भरने गाड़ी में, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग को। निकलते हैं यहाँ से आगे और एक बार बाबा जी का नाम ले लेते हैं। भाई जय खाटू श्याम वाले बाबा की जय। तो भाई अब निकलते हैं यहाँ से खाटू श्याम के लिए। ये बात है मतलब ये बात है मतलब है कौन करता है? भाई अभी हम इस समय खाटू श्याम पहुंच चुके हैं। हमने जो गाड़ी है वो पार्किंग में खड़ी कर दी अपनी वहाँ पे पीछे, और हम वहाँ से निकल चुके थे। तो वहाँ से भाई ये ऑटो मिल जाता है कुछ इस तरीके का, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो भाई इसने 20-20 रुपये लिए मेरे और राहुल भाई के, 20-20 रुपये सवारी है भाई, ठीक है। तो इसका मंदिर के पास छोड़ेगी, तो अगर किसी को भी आना है तो आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं वहाँ पर, मतलब जो एंट्री गेट पर, फिर वहाँ से आप आ सकते हैं इस तरीके। तो अभी दिखाता मैं आपको अंदर। तो यार अभी हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं खाटू श्याम, और हमने भाई मंदिर के दर्शन कर लिए। भाई देखो ये पैकेट है हमारे, क्योंकि हम मंदिर से होकर आ गए थे। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ सामने खाटू श्याम जी को। ये है मंदिर जो है खाटू श्याम का, हमने भाई जस्ट अभी अभी दर्शन करे हैं। क्या यहाँ पर 1 बजे की टाइमिंग थी, 1 बजे तक बंद होता है, और अभी टाइम हो चुके हैं भाई 1:08, ठीक है। मुझे बंद हो जाता ही है, फिर शाम को 3 बजे खुलता है, 3 बजे से रात 8 बजे तक खुलता है, 7-8। अच्छा तो भाई शाम को कितने बजे खुलता है? 4 बजे। हाँ शाम को 8 बजे, 3 बजे से खुलता है, 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक खुलता है। तो भाई हमारे दर्शन तो हो गए हैं, अब यहाँ से चलते हैं ना, क्या करना है अब चलते हैं। ठीक है भाई, तो देख लो यार ये था खाटू श्याम जी का मंदिर, और हम अंदर होकर आ गए, लेकिन भाई अंदर वीडियो बनाने अलाउ नहीं थी, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। बाकी हमने अंदर प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया, प्रसाद ले लिया, मटका देख लिया, अब यहाँ से हम जा रहे हैं वापस। यहाँ पे खाटू श्याम की मार्केट, यहाँ मंदिर से बाहर निकलते हो तो यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ खरीदनी हो या मिठाई वगैरह लेनी है तो भाई आप यहाँ से ले सकते हो, कुछ वगैरह यहाँ से ले सकते हो। हाँ तो देखो भाई यहाँ पर सभी तरह के आइटम मिलते हैं, चाहे वो शूज़ हो, चप्पल हो, या बैंगल्स हो, कुछ भी हो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको अपने खाटू जी के लिए भी लेना है कुछ, और अपने मंदिर के लिए कुछ लेना है, तो आप यहाँ से ले सकते हो इस तरीके से। तो भाई ये कुछ सीन है यहाँ पे। तो भाई आपको कैसा लगा मंदिर आकर के? भाई मज़ा आ गया मंदिर आके, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके में, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और जल्दबाजी में निकले हम वहाँ से। लेकिन हाँ ये है कि दर्शन हो गए, 1 बजे तक का लास्ट टाइम। अच्छा है ना, हम अंकल जी की दुकान पे आए थे, अंकल जी की दुकान से हमने प्रसाद लिया। ये अंकल जी की दुकान में प्रसाद की सामग्री है पूरी। अंकल जी दुकान का क्या नाम है? भाई
भाई ये अंकल जी का दुकान का नाम बाबा मिष्ठान भंडार है। तो भाई किसी को भी अगर आप यहाँ पर आना है तो वो यहाँ पर आ सकता है। जैसे वो यहाँ पर आएगा लेफ्ट साइड में अंकल जी की दुकान मिल जाएगी बाबा मिष्ठान भंडार, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ से मिठाई वगैरह ले सकते हो। ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। ऑटो की सवारी उतर के भाग रही है रोड पे। भाई आज ये गई ना है, ये देखो कितनी चिराई भाई ने ऐसे दबा दबा के बैठा दिया है ऑटो में हमें। मैं तो जा रहा भाई, इस भाई की फोटो दिखाओ पहले। भाई बैठाने का इरादा है क्या? ये देखो भाई, मुझे लगा पीछे पूरी सवारी खा ले फिर भी आगे बैठा भाई। गरीब आदमी है ये नहीं सुतरे। तो भाई बाबा के दर्शन हो गए हैं, अब यहाँ से दर्शन अच्छे से हो गए। ठीक है, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम आगे और देखते हैं कि आगे यहाँ से हम कहाँ जाते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है? यहाँ से भानगढ़ किला। तो भाई अभी हम जा रहे हैं यहाँ से भानगढ़ किला। भानगढ़ किला, भानगढ़ किला हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। और वहीं रुकेंगे अब सीधा, भाई ने अभी तो हमें यहाँ रोक रखा है फिलहाल। हाँ, तो भाई अब यहाँ से हम जा रहे सीधा भानगढ़ किला। तो आज के जो हमने ब्लॉग बनाया है आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जरूर करना यार। ठीक है, अब यहाँ से हम सीरीज 2 बना रहे हैं, जो कि बना रहे हैं हम खाटू श्याम टू भानगढ़। ठीक है, तो आप वो वाला भाई लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।